दोस्तों, भगवान शिव जो देवों के देव महादेव हैं, शिव ही इस समस्त ब्रह्मांड के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा हैं। शिव ही आदि और शिव ही अनंत हैं। देवों के देव महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वह अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। भक्त चाहे मानव हो, दानव हो, पशु हो या फिर प्राणी हो, वह सभी पर अपनी समान कृपा बरसाते हैं। इसी कारण समस्त संसार के प्राणी भगवान शिव की ही शरण में जाते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पंच पकवानों के भोग की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्हें तो सच्चे दिल से चढ़ाई हुई एक बूंद जल से भी प्रसन्न किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मनुष्य के ऐसे उन लक्षणों के बारे में, जो अगर किसी मनुष्य में दिखाई देते हैं तो उसके सिर पर स्वयं देवों के देव महादेव का हाथ होता है तथा उस पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है, और महादेव की कृपा के कारण ही उस मनुष्य के अंदर ऐसे गुण मौजूद हैं। अगर आपके अंदर भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आप भी समझ जाइए कि भगवान शिव आपसे प्रसन्न है और वह हर कदम पर आपके साथ हैं। शिव जी आपके जीवन में आने वाली हर परेशानी को दूर करने का काम अवश्य ही करेंगे। आपसे कहना है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बता दें कि कई बार देवाधिदेव महादेव मनुष्य को विविध प्रकार के संकेत देते हैं कि वह उस पर प्रसन्न है, परंतु कई बार मनुष्य इन संकेतों को समझ नहीं पाता और इसी कारण बस वह महादेव की कृपा से वंचित भी रह जाता है। लेकिन आपको भी भगवान शिव के संकेतों को अवश्य ही समझ लेना चाहिए और भगवान शिव जी की आराधना करके उनकी संपूर्ण कृपा को प्राप्त करना चाहिए। अगर आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं या आपके स्वभाव में ऐसे बदलाव दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि शिव भगवान आपसे प्रसन्न है और आपको किसी भी प्रकार की विपदा से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम आपको उन लक्षणों के बारे में बताते हैं। महादेव की कृपा प्राप्त व्यक्ति साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति दिखावे के गुण से परे होता है, अर्थात वह दिखावा करना पसंद नहीं करता, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो या चाहे वह घर से कितना भी अमीर भी क्यों ना हो। वह कभी दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करता और ना ही कभी अपनी संपत्ति पर गर्व करके दूसरों पर अधिकार जताता है। ऐसा व्यक्ति सभी का सम्मान करने वाला तथा सभी का आदर सत्कार करने वाला होता है। किसी मित्र को गरीब समझकर उसे तुच्छ नहीं समझता या उसका अपमान नहीं करता। महादेव की कृपा प्राप्त व्यक्ति पशु प्रेमी भी होता है। वह किसी मासूम जानवर पर अत्याचार नहीं करता। इसके साथ ही इन लोगों को गौ माता और नंदी से अत्यधिक प्रेम होता है। यह लोग द्वार पर किसी भी पशु को भूखा नहीं जाने देते। जानवरों को देखते ही इनके मन में दया का भाव जागृत हो जाता है और इसी कारण महादेव की कृपा इन पर सदैव बरसती रहती है। महादेव की कृपा प्राप्त व्यक्ति विपुल धन संपत्ति, ज्ञान, ऐश्वर्य व लक्ष्मी की प्राप्ति करके भी अहंकार नहीं करते। वह दूसरों से सदैव विनम्रता के साथ पेश आते हैं, दूसरों की सहायता करने में सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे ही व्यक्ति महादेव के प्रिय होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, नदियाँ स्वयं का जल खुद नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, बादल स्वयं के द्वारा उगाया हुआ अनाज स्वयं नहीं खाते। उसी प्रकार महादेव के भक्त अपना जीवन परोपकार में बिताते हैं। ऐसे लोग स्वयं के द्वारा कमाए हुए धन का सदुपयोग ही करते हैं। जिस प्रकार वृक्षों पर फल आने से वह झुकते हैं, पानी से भरे बादल आकाश से नीचे आते हैं, उसी प्रकार महादेव के भक्त चाहे कितनी भी धन संपत्ति क्यों ना कमा ले, वह कभी गर्व से अपना सर ऊंचा नहीं करते। वह सदैव शीश झुकाकर ही दूसरों का सम्मान करते हैं, अर्थात यह लोग समृद्धि से गर्विष्ठ नहीं बनते, सदैव परोपकार ही करते रहते हैं। महादेव की कृपा प्राप्त व्यक्ति अधिक बलवान होने के बावजूद भी क्षमाशील होते हैं, कमजोर पर अत्याचार नहीं करते, अपने बल पर कभी घमंड भी नहीं करते। महादेव के भक्त दुर्लभ वस्तु पाने की कामना नहीं रखते, नाशवान वस्तुओं के विषय में शोक नहीं करते तथा विपत्ति आने पर घबराते नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करते हैं। चाहे सर्दी हो या गर्मी, अमीरी हो या गरीबी, दुख हो या सुख, सदैव तटस्थ भाव से अपना राज धर्म निभाते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी दुख की स्थिति में गलत काम करने का फैसला नहीं करते,